हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क के लिए सर्कुलर अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट, जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, ये पार्ट 7 है, पार्ट 1 से 6। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ मेरे बारे में। आप चाहे तो सोशल मीडिया पर भी आप अपने कोई डाउट हो क्वांट और रीजनिंग के रिलेटेड तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। ये है कुछ एग्ज़ाम जो मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर का वो देख लेते हैं। कितने लोग हैं तो कि 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। एफ सिट सेकंड राइट ऑफ सी और डी सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब कंडीशन कनेक्ट हो रही है सी के साथ एफ और एफ के साथ डी। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है ना। यदि कंडीशन लिंक नहीं होती तो मैं पहले लिखता कंडीशन उसके बाद बनाता, लेकिन इधर दो कंडीशन एक साथ जुड़ रही है तो हम स्टार्ट कर देते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले सब कंडीशन लिख ले और उसके बाद हम उसको अरेंज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ जो है वो सेकंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो मतलब सी मान लो सी या तो अंदर देख सकता है या फिर सी बाहर देख सकता है, सॉरी सी उसके सेकंड राइट में। तो एफ इधर हो सकता है, इधर बात करें तो एफ इधर हो सकता है, ठीक है। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में। तो एक छोड़ के, सेकंड लेफ्ट का मतलब हो गया एक छोड़ के, तो एक छोड़ के डी इधर नहीं आ सकता, डी इधर आ सकता है। सेकंड लेफ्ट की बात है तो अंदर देख रहा होगा इधर, इधर सेकंड लेफ्ट की बात है तो डी इधर आ जाएगा और एफ बाहर की ओर देख रहा होगा। डी एंड सी फेस सेम डायरेक्शन, डी और सी सेम डायरेक्शन, तो मतलब इधर सी अंदर है तो डी भी अंदर, इधर सी आउटसाइड देख रहा है तो डी भी आउटसाइड देखेगा। जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में जी होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट में जी इधर आ जाएगा। ये पहले वाले केस में क्या होगा, डी के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड जी इधर आ जाएगा, ओके। एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। सेकंड लेफ्ट या सेकंड राइट का मतलब होगा उनके बीच में एक आदमी है, तो जी को, जी और एच के बीच में, एच इधर नहीं हो सकता, इसने मना किया कि डी के पास होने, तो जो देखो जी के सेकंड लेफ्ट में एच होना चाहिए, इसका मतलब जी और एच के बीच में एक आदमी, तो एच इधर हो सकता है या फिर एच इधर हो सकता है। डी के पास तो एच, इन्होंने मना किया कि एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो एच इधर नहीं आ सकता, तो एच इधर आएगा। अब बात करते हैं कि एच की डायरेक्शन, सॉरी जी की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो एच सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट मतलब जी आउटसाइड देख रहा है। इधर बात करते हैं तो एच डी के पास इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, तो डी के पास तो हो नहीं सकता है, तो इधर आ गया एच, और एच इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, सेकंड लेफ्ट के लिए इधर जी को अंदर की ओर जो है वो देखना होगा। उसके बाद जी डज नॉट फेस आउटसाइड, तो जी आउटसाइड नहीं दिख रहा, तो ये कंडीशन होगी हमारी पहले वाली कैंसिल। वन पर्सन सीट बिटवीन जी एंड ई, जी एंड ई के बीच में एक आदमी है तो इधर ही पॉसिबिलिटी है, इधर आ जाएगा। ए सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड लेफ्ट का मतलब भी वही होगा कि उन दोनों के बीच में एक आदमी, तो ई को छोड़ के एक ए इधर नहीं आ सकता, ए इधर ही आ सकता है। और ए सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड लेफ्ट के लिए ई को बाहर की ओर देखना होगा। एंड बोथ फेस सेम डायरेक्शन, तो ए भी कहाँ देखेगा, बाहर की ओर देखेगा, ओके। इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस सेम डायरेक्शन, सी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन, मतलब जी अंदर की ओर देख रहा है तो एच भी अंदर की ओर देखेगा। डी सेकंड राइट ऑफ बी, अब बी के लिए यही जगह है और डी की, डी कहाँ है, तो डी सेकंड राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में होने के लिए बी को अंदर की ओर देखना पड़ेगा। ये रहा हमारा आंसर। हमने डायरेक्ट क्यों बनाना स्टार्ट किया ये समझिए। तो मैंने जब कंडीशन पढ़ी तो दो कंडीशन एक साथ जुड़ रही थी। प्री के एग्जाम में मोस्टली ऐसा होगा कि सारे कंडीशन जुड़ते हुए चली जाएगी, मीन्स में आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी और उसके बाद बनाना पड़ेगा। जब कंडीशन कनेक्ट नहीं होती, आपने पढ़ा दो लाइन और कंडीशन कनेक्ट नहीं हो रही, तो आप उसको लिख लीजिए और उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिए, तब भी आपकी पजल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ये तो सिटिंग अरेंजमेंट थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।